Hello guys, today what we're going to see is the basic part of the dynamics of machinery. Dynamics of machinery, ये जो subject है, it comes in the Mumbai University syllabus. और जो भी lecture series हो रही है, वो Mumbai University syllabus purely based on MU syllabus के ऊपर रहेगा. Okay, ये आज का lecture 1 रहेगा Tom का. ऐसे total 30 to 50 lectures रहेंगे, which will be consisting of entire Tom के syllabus coverage, as well as पेपर सॉल्विंग, एमयू के पेपर सॉल्विंग भी रहेंगे उसमें. एमयू में जितने भी पास्ट 4 to 5 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको पूरा अपन कवर करने वाले. बेसिकली लेक्चर्स कैसे होंगे, वी विल बी गोइंग बेस्ड बेसिकली ऑन द चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट, लाइक विच चैप्टर इज इंपॉर्टेंट दैट वी विल बी डूइंग फर्स्ट, विच इज हैविंग मोर वेटेजेस, एंड एट लास्ट विल बी कवरिंग द टॉपिक्स विच इज हैविंग द लेस वेटेजेस. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डायनामिक्स ऑफ मशीनरी, डॉम consist of two major topics. जैसे कि अगर मैं यहां पर डॉम लिखा, it is having two major topics. That is nothing but first part is your vibration and the second part is nothing but your टॉर्क. Theory of machines के कुछ topics यहां पर cover होंगे और vibrations के कुछ topics यहां पर cover होंगे. टॉम के बारे में आपको कमिंग सीरीज में बताऊंगा. फिलहाल मैं वाइब्रेशन के ऊपर फोकस ज्यादा करूंगा, क्योंकि इट इज अ रेशियो ऑफ आई कैन से 70% to 30% रेशियो. समझ आ रहा है? अगर आपका डॉम का मान लेना 100 मार्क्स का पेपर हो तो 70 मार्क्स विल बी फ्रॉम योर वाइब्रेशन. ठीक है, 70 मार्क्स विल बी फ्रॉम योर वाइब्रेशन और फिर 30 मार्क्स विल बी फ्रॉम योर टॉम. थियरी ऑफ मशीन. फिलहाल अपन वाइब्रेशन के टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं एक बार, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ना है. वाइब्रेशन में सबसे पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट, बराबर. उसके बाद आपको आएगा सिंगल डिग्री, फिर डैम्प वाइब्रेशन, उसके बाद आएगा आपको फोर्स वाइब्रेशन, देन यू विल बी हैविंग बैलेंसिंग, यू विल ऑल्सो बी हैविंग रोटर डायनामिक्स. तो ये हो गए यहां पे टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स मेजर टॉपिक्स अंडर वाइब्रेशन. फिलहाल अपन थियरी ऑफ मशीन्स के बारे में बात नहीं करेंगे, वी विल बी कवरिंग फर्स्ट द वाइब्रेशन टॉपिक्स. रीजन इज क्लियर टू यू पीपल, 70% सिलेबस मतलब 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स मैक्सिमम क्या दीजिए वाइब्रेशन पार्ट, और 30 मार्क्स जो रहेगा वो टॉम का रहेगा. क्लियर? टॉम के बारे में, टफनेस के बारे में अगर बात किया, नाउ यहां पर मैं वाइब्रेशन के टॉपिक में टफनेस के बारे में बात करूंगा, विच इज द टफेस्ट टॉपिक. अगर एक बात पूछू तो आप लोग पूछोगे सर हाउ इज अ डॉम सब्जेक्ट. डॉम सब्जेक्ट, हालांकि ये सेमिस्टर आपका कौन सा सेमिस्टर, नंबर 5, बराबर. सेमिस्टर 5 में टोटल आपको कितने सब्जेक्ट है जो मेनली है, दैट इज डॉम प्लस एचटी प्लस आईसी. क्लियर है? डॉम प्लस एचटी प्लस आईसी जो 3 सब्जेक्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, देख ले एच टी इज इंपॉर्टेंट फॉर एन इंटरव्यू लेवल. ठीक है, डॉम इज इंपॉर्टेंट, एच टी ऑल्सो लेवल इंपॉर्टेंट प्लस गेट. गेट में भी एच टी का पूरा सिलेबस आता है, तो गेट प्लस इंटरव्यूज और आगे जितने जिसको भी थर्मल सेक्शन में जाना है उसके लिए हीट ट्रांसफर इंपॉर्टेंट है. आईसी इंजिन कम्स इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर. अगर किसी को ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना चाहिए, अगर अपने स्टूडेंट्स में से कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसका फ्यूचर्स डिसाइड कर रहे हैं उसको उसमें उसको उस टोटली ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना है, तो आईसी इंजन प्लेज अ मेजर रोल होता है. अब हालांकि डॉम क्या है, डॉम स्पेशली कम्स इन डिजाइन डिपार्टमेंट. अगर आपको कोई कंपनी में डिजाइन डिपार्टमेंट में जाना है, मेनी ऑफ द कंपनीज अगर आपको डिजाइन डिपार्टमेंट में जाना है, देन यू हैव टू स्टडी वेल डॉम सब्जेक्ट, बिकॉज डॉम में वाइब्रेशन आता है. हालांकि कोई भी मशीन आप डिजाइन करोगे तो उसमें वाइब्रेशन तो होगा,
तो बेसिकली दिस सब्जेक्ट टॉक्स अबाउट हाउ टू रिड्यूस द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन किस तरह से रिड्यूस करें ताकि कम मशीन का जो इफेक्टिवनेस बढ़े, ताकि मशीन अच्छी तरह से वर्क करे, मशीन का जो लाइफ है वो बढ़े, काफी चीजें इसमें आती है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई वाइब्रेशन इज हैविंग अ मेजर रोल फ्रॉम ऑल दिस चैप्टर्स. बिकॉज आप कोई भी मशीन डिजाइन करो, अगर उसमें इंजन होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडरिंग अ व्हीकल, अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, अभी आप कार चला रहे हो, तो कार में अगर आपके इंजन में थोड़ा भी फॉल्ट रहेगा, हाउ इट इज अंडरस्टैंडेबल, इट इज अंडरस्टैंडेबल टू द वाइब्रेशन ऑफ द इंजन. सो व्हाट वी फर्स्ट टॉक इज वाइब्रेशन, कि भाई मेरा इंजन वाइब्रेट कर रहा है. अगर मेरा इंजन वाइब्रेट कर रहा है तो कुछ तो फॉल्ट है, मतलब इंजन में कुछ तो किधर तो फॉल्ट रहेगा जिसके वजह से मेरा इंजन वाइब्रेट कर रहा है. सो वाइब्रेशन, समझ में आ रहा है आपको, वाइब्रेशन से अपन इंजन का फॉल्ट पे ढूंढते हैं. इवन वाइब्रेशन का और काफी टॉपिक है, ऐसा जरूरी नहीं कि वाइब्रेशन रिड्यूस कर रहा है. अगर मुझे वाइब्रेशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में वी नीड वाइब्रेटर टू सेग्रीगेट द मटेरियल्स अकॉर्डिंगली, तो वहां पे वाइब्रेशन चाहिए. कहां वाइब्रेशन कम करना, कहां का वाइब्रेशन चाहिए. अब अगर आप पूछोगे सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंस, डॉम और एच, डॉम एच टी और ऐसे छोड़ रहा हूं, फिर डॉम के बात कर रहा हूं, तो डॉम सब्जेक्ट का पहला नाम था मैकेनिकल वाइब्रेशन, मतलब 2 से 3 साल पहले इसको मैकेनिकल वाइब्रेशन के नाम से जाना जाता था, आज की तारीख में इसको डॉम नाम दिया है. नहीं रही बात इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, अगर आप बात करो कि वेयर इट इज हैविंग द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, आई कैन आस्क यू वेयर इट इज नॉट हैविंग द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. You are staying in a building. In the building, you might be having lift. Over there, the vibration damping is required. Anywhere, you are having vehicle. A vehicle chala rahe, barabar. You can't have a very, you know, bumpy ride. Barabar, aap gaadi chala rahe, ekdam bumpy chalega ki aapko ekdam dhar dhar dhar. Ya ek do cases hota hai, do extreme cases hota hai. Ek to aapko pura khadde feel ho raha hai, ya aapko kuch pata hi nahi chal raha. Barabar ki nahi. To in dono ki cheez ke beech mein lana is important. For example, I will take you more, make it more clear. अगर मैं एक vehicle manufacturer company हूँ, I can't design a vehicle which is literally feeling the roughness of the road. ये मतलब rough road का जितना भी roughness है, वो मुझे मेरे body तक पहुँचना नहीं चाहिए. So what I have to do, I have to reduce the vibration or I have to damp the vibration in such a way that machine, मेरा जो engine है, engine पे भी असर ना पड़े या मेरे body पे भी असर ना पड़े. इंजन पे भी असर नहीं पड़ना चाहिए, मेरे बॉडी और जो कंफर्टनेस मुझे प्रोवाइड करना चाहिए. सो ओवर देयर इन द डिजाइन डिपार्टमेंट, मतलब ऑटोमोबाइल की जो डिजाइन डिपार्टमेंट रहेंगे, वो बेसिकली उनका एक वाइब्रेशन डिजाइन डिपार्टमेंट रहता है. जैसे कि शॉक एब्जॉर्बर को डिजाइन करना, वाइब्रेशन डैम्पर्स को एब्जॉर्ब करना, ताकि हमारे जो गाड़ी के अंदर है वाइब्रेशन वो लीस्ट रहे, ताकि अपने को एक कंफर्ट राइड मिले और अपना इंजन भी सेफ रहे. बिकॉज इंजन सेफ रखना इज मच मोर इम्पोर्टेंट than any other part, because engine is the heart of a car. अगर आपका engine में ज्यादा vibration जाएगा तो उसके अंदर piston cylinder के अंदर जो movement होती है उसमें lagging आएगा. अगर piston cylinder की movement में lagging आया या vibration की वजह से induced force होगा, मतलब engine के अंदर stress generate होगा. समझ में आ रहा है, imagine कर पा रहे हो आप लोग कि vibration हो रहा है, आपका engine vibrate कर रहा है, engine already vibrate कर रहा है by the movement of piston cylinder on the top, आपका rod का भी vibration, आपका road जो है road surface अच्छे ना होने के कारण बंपी राइड की वजह से आपका रोड का भी वाइब्रेशन आपकी मशीन के ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, हालांकि इंजन विल बी अंडर मोर स्ट्रेस. सो ओवर देयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू रिड्यूस द वाइब्रेशन टू ऑलमोस्ट जीरो, बिकॉज ओवर देयर वी डोंट रिक्वायर द वाइब्रेशन, वी हैव टू रिड्यूस द वाइब्रेशन सो दैट इंजन विल बी मच मोर सेफर. यहां पे मैंने कुछ टॉपिक्स का नाम लिखा है, बराबर बेसिक. अभी मैं वाइब्रेशन को एकदम सिंप्लीफाई करके बात कर रहा हूँ. ये लेक्चर सीरीज जो भी रहेगा, इट विल टोटली ऑन मुंबई यूनिवर्सिटी बेस सिलेबस. यहाँ एमयू को टोटली डेडिकेट करके उसके जितने भी पार्ट्स है, उसके जितने भी सिलेबस है, वो अपन कवर करने वाले हैं, जिसमें डॉम अभी मैं आज स्टार्ट किया, बराबर. डॉम के साथ साथ मेरा लेक्चर सीरीज थर्ड ईयर के लिए एचटी और एसी, शायद आप लोग को स्क्रीन में दिखता रहेगा डॉम प्लस एचटी और एसी, उसकी फीस स्ट्रक्चर भी दिखता रहेगा. अगर आपको मेरे बैचेस कंप्लीट कोर्स बैच चाहिए, कंप्लीट कोर्स ऑफ डॉम एचटी एंड आईसी, शायद ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया रहेगा, उस लिंक में आप क्लिक करोगे तो आप स्ट्रेट अवे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होगे, दैट इज अ रजिस्ट्रेशन पार्ट फॉर डॉम एच एंड आईसी. आई प्रॉमिस यू दैट आफ्टर ज्वाइनिंग दिस सीरीज यू विल बी क्लियर कट विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डॉम एज वेल एज एचटी एंड एज वेल एज आईसीई, एंड विच विल फर्दर हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कमिंग सब्जेक्ट्स और व्हेनेवर यू विल बी सिटिंग फॉर द इंटरव्यू. जैसे मैंने आपको बताया, फील देखिए, आप जब सब्जेक्ट पढ़ोगे यू विल बी हैविंग अ क्लियर कट क्रिस्टल कॉन्सेप्ट क्लियर, जिसके वजह से आपका इंटरव्यू में भी
you will be having a maximum chances of getting selected. Or in another thing, I can say कि अगर आपको इंटरव्यू पूछा what is your favorite subjects, then I will guarantee you that after attending this entire coursework of Dom HK and LC, you people will sure shot tell that our favorite subject is Dom, our favorite subject is HT. HT is one of the favorite subjects. It's like you will have the entire field of thermodynamics का basic concept plus thermal का पूरा field आ जाएगा आपको HT transfer में. Let us go further. बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या सिखाऊंगा मैं आपको. बेसिक कॉन्सेप्ट में वाइब्रेशन की रोटेशंस क्या क्या है, वाइब्रेशन में क्या क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, लाइक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसको फोर्स वाइब्रेशन बोलते, किसको अनडैम वाइब्रेशन बोलते, किसको डैम वाइब्रेशन बोलते, अनडैम वाइब्रेशन का जनरल इक्वेशन, डैम वाइब्रेशन का जनरल इक्वेशन, बेसिक कुछ डेरिवेशन आएंगे. बेसिक चैप्टर मतलब इट टॉक्स बेसिकली अबाउट द अनडैम सिंगल डिग्री फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन. सिंगल डिग्री होता क्या, मैं आज ये वीडियो में आपको बेसिकली वाइब्रेशन का पूरा आइडिया दे दूंगा. सिंगल डिग्री इसको हम बोलते हैं, एक्चुअली बेसिकली मैं इसको बोलूंगा अनडैम्ड. हालांकि आप लोग सोचते रहेंगे अनडैम्ड का मीनिंग क्या है या अनडैम्ड है क्या. एक्चुअली स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़े. अब यहां ध्यान से देखो, यहां जितने भी टॉपिक्स आपने देखा दो वर्ड्स आपके सामने बार बार आ रहे हैं, एक तो डैम अनडैम्ड बराबर और वाइब्रेशन, ये तीन चीज आपको अच्छी तरह से आ रहा है. लेट्स सी ईच वन अनदर इन अ वेरी सिंपल वे. यहां पर मैं बात करूंगा बच्चों अनडैम्ड मतलब ये मैं अगर अन हटा दिया तो ये क्या है डैम्ड मतलब क्या. डैम्ड का मतलब होता है मैं इस पे मेरे सिस्टम पे क्या लगाया भाई, मैं मेरे सिस्टम पे डैम्पर लगाया हुआ है. समझ रहे क्या, मैं मेरे सिस्टम पे डैम्पर लगाया हुआ है जिसके वजह से मेरा वाइब्रेशन क्या हो गया, पूरा कम हुआ है. समझ में आ रहा है, डैम्प वाइब्रेशन माने मेरे सिस्टम पे, मेरे इंजिन पे, या फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर, यहां देखो यहां एक मशीन है जिसका मास है एम मान लेना, ठीक है. यहां पर एक स्प्रिंग लिया हुआ है के कांस्टेंट के साथ, यहां पे अभी सिस्टम को देखोगे आप, ठीक है. यहां पे मैंने दो स्प्रिंग देख लिया, ठीक है, बढ़िया से एकदम दो स्प्रिंग लगा दिया, ठीक है. अगर आप देखोगे ध्यान से तो आप ये बोल सकते हो कि भाई ये दोनों स्प्रिंग लगाया हुआ है मास बॉडी पे, सर यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसका मोशन के लिए, बराबर. अगर मैंने यहां से ऊपर से प्रेस करेगा तो मेरा मास वाइब्रेट करेगा, माय मास विल बी वाइब्रेटिंग एंड बिकॉज ऑफ विच द वाइब्रेशन इज हैपनिंग. अब अनडैम्ड या अनडैम्ड, फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट अनडैम्ड. अनडैम्ड माने यहां कोई डैम्पर नहीं लगाया, यहां पे कोई डैम्पर नहीं लगाया. अनडैम्ड माने डैम्पर नहीं लगाया. अगर मैंने यहां पे डैम्पर लगा दिया, देखो ऐसा, ये डैम्पर क्या करेगा, वाइब्रेशन को कम करेगा. समझ रहे कि नहीं. अगर मान लो ये डैम्पर हटा दिया गया, यहां पर डैम्पर नहीं है फिलहाल, तो स्प्रिंग वाइब्रेट करेगा, मास वाइब्रेट करेगा. जब मास वाइब्रेट करेगा तो उसको फ्रीली वाइब्रेट करेगा आराम से, तो कोई इश्यूज नहीं. अगर मुझे इतना वाइब्रेशन नहीं चाहिए तो मैं उधर क्या लगाऊंगा भाई, मैं डैम्पर लगा दूंगा. जैसे मैं डैम्पर लगा दूंगा तो क्या होगा, मेरा वाइब्रेशन कम हो जाएगा. तो मोस्टली आप शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं, शॉक एब्जॉर्बर का डैम्पर डैम्प चला देगा, तो वो सब चीजें क्या करता है, वो शॉक को एब्जॉर्ब करता है और वाइब्रेशन को डैम करता है एब्जॉर्बिंग इट. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा रहेगा आपके टीचर्स या फैकल्टीज के जो केबिन होते हैं उस पर स्लाइडिंग डोर्स रहते हैं, डोर ओपन कर रहे, आपने डोर ओपन किया और आप बंद नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाते हैं. अब कुछ डोर्स होते हैं, शायद आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, आप अंदर आ गए आपने छोड़ दिया उसको डोर, डोर काफी स्लोली ऑब्जर्व किया रहेगा, काफी स्लोली आराम से बंद हो गया. अभी मान लेना कुछ अलग टाइप के डोर्स जो स्लोली नहीं हो रहा है, कुछ गया फिर ऐसा वाइब्रेट कर रहा है. इमेजिन कर पे डोर है, इमेजिन करके स्ट्रक्चरल डोर है यहाँ पे, ठीक है, वो ऐसा है, ओपन किया आपने, अंदर आ रहे, वो फिर ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब उसका डैम्पिंग बराबर नहीं होता. रीजन इज वाइब्रेटिंग ना, डोर वाइब्रेट कर रहा है ना भाई, आप बंद करने के बाद भी आगे अंदर पीछे से कर रहा है, इसका डैम्पर बराबर नहीं, इसका शॉक एग्जाम्पल खराब हो रहेगा, इसका डैम्पिंग प्रॉपरली नहीं हो रहा. व्हाट इज द परफेक्ट डैम्पिंग, आपने अंदर आ गए डोर ऑटोमेटिकली बंद हो और नो वाइब्रेशन इज हैपनिंग ओवर देयर, देन वी कैन से यस यहां पे प्रॉपर डैम्पिंग हुआ. So, आपको मैं वापस कम बैक टू द मेजर टॉपिक, मैंने क्या बोला अनडैम्ड और डैम्ड, बराबर. सो मैंने ये बताया कि भाई अनडैम्ड होता क्या है,
जहां पे डैम्पर नहीं होगा, जहां पे स्प्रिंग सिर्फ स्प्रिंग अटैच रहेगा. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से लाइक दिस, ये जो मास अटैच स्प्रिंग अटैच किया, ठीक है. अब और एक चीज मैं यहां से हटा दिया, ठीक है, एरो भी हटा दिया, मास से दो स्प्रिंग है. अभी बात आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम. उसके पहले जाने से पहले ये अनडैम्प्ड श्योर, यहां लिख रहा हूं मैं, ये अनडैम्प्ड है, ठीक है, अनडैम्प्ड है इसके लिए बिकॉज देयर इज हैविंग नो डैम्पर, तो अनडैम्प्ड वाइब्रेशन होगा इसका, ठीक. अब रही बात कि ये वाइब्रेशन हुआ कैसे, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. ये वाइब्रेशन हुआ कैसे, अगर आप मास को अटैच करोगे स्प्रिंग के साथ तो वाइब्रेशन होना जरूरी नहीं है. Until unless you don't give the motion. अगर until unless you don't pull him, push him, या कुछ आप करोगे नहीं, तब तो ये वाइब्रेट तो होगा नहीं. तो आपने मास को और दो स्प्रिंग से अटैच कर दिया, मैंने रख दिया यहाँ पे सिस्टम ग्राउंड पे, ठीक है, दिख रहा है आपको सिस्टम ग्राउंड पे, बढ़िया एकदम. अभी क्या करूंगा इसको यहाँ पे से मैंने इसको थोड़ा नीचे खींचा, इमेजिन कर पा रहे हो, मैंने यहां से थोड़ा धक्का दिया, धक्का नहीं दिया, उसको खींच के मास को थोड़ा डिस्प्लेसमेंट दिया. मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा मास, मेरा स्प्रिंग थोड़ा ज्यादा कंप्रेस हो गया, छोटा हो गया, बराबर, और मैंने यहां पे पकड़ के रखा, फिर मैंने छोड़ दिया. इमेजिन कर पा रहे क्या बोला है, वापस बोल रहा हूं मैं, मैंने मास को कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया, नीचे लेके आया, लेट्स से बाय एक्स डिस्प्लेसमेंट से मैंने मास को नीचे लेके आया, तो स्प्रिंग में एक्स कंप्रेशन हो रहा, स्प्रिंग में एक्स कंप्रेशन हुआ, तो मास नीचे आया और मैंने छोड़ दिया. समझ रहे क्या, इसको ये एक टाइप हो गया. यहां पे आपने क्या किया, आपने डिस्प्लेसमेंट दिया, आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया. समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, आपने यहां पे मास पे डिस्प्लेसमेंट किया, आपने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ मास पे डिस्प्लेसमेंट किया, जिसके वजह से स्प्रिंग डिफरेंट हुए, स्प्रिंग कंप्रेस हुए, और फिर आप जैसे हाथ हटाओगे वो वाइब्रेट करते जाएगा. एम आई राइट और रॉन्ग, एम आई राइट और रॉन्ग, यस. अगर मैं वाइब्रेट करने की बात करूंगा तो थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, डिटेल में आगे लेक्चर्स में होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो लेक्चर स्टार्ट होगा, लेक्चर टू, लेक्चर थ्री में तीन से चार लेक्चर लेंगे जिसमें अपन टोटली बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है. अभी फिलहाल तो मैं इस टॉपिक्स जो मैंने लिखा है यहाँ पे उसके एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि ये टॉपिक्स में क्या क्या है, ठीक है. यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस करने को बोल दिया कि जो वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन है, इसके साथ साथ और दो टॉपिक्स एड हुए हैं, दैट इज नथिंग बट फोर्स वाइब्रेशन के अंदर प्लस ट्रांसमिसिबिलिटी का भी टॉपिक है, प्लस बाद में आइसोलेशन, ये सब टॉपिक्स का नाम है मैं जो बता रहा हूं, प्लस वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, VMI मतलब वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सब उसमें ऐड कर दिया, ठीक है. तो काफी बड़ा टॉपिक है, आप देख सकते हो कितने सारे टॉपिक्स, सिंगल टॉपिक नहीं, इसके सालों के आपको कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए विद न्यूमेरिकल्स के साथ, हर एक पे न्यूमेरिकल. अगर आप पूछोगे सर वाइब्रेशन में क्या आता है, मैक्सिमम थ्योरी आता है कि न्यूमेरिकल्स आता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर मैंने यहाँ पे 70 मार्क्स लिखा है तो 70 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे, यहाँ पे थ्योरी काफी कम आता है. मतलब 70 मार्क्स में से इमेजिन करेगा 60 मार्क्स का न्यूमेरिकल ही, हालांकि अगर आपका लकी रहेगी तो 10 मार्क का थ्योरी आता तो आएगा. अभी कैन नॉट कंफर्म इट कि आप थ्योरी पढ़ के डॉम को निकाल नहीं पाओगे कभी भी, बिकॉज डॉम के लिए सेकेंड थिंग, डॉम का एक ट्रेंड है कि भाई उसके क्वेश्चन रिपीट नहीं होते. मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, एक बार अगर डॉम का क्वेश्चन आ गया तो नेक्स्ट पेपर में डॉम का सेम क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, या उसके टाइप के भी नहीं आएंगे. इट्स टोटली अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, डॉम एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कंसेप्चुअल है, उसको कंसेप्ट अगर समझ में आ गए यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट, अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आ गया आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, आप लिटरली उसको छोड़ दोगे ऐसे, बिकॉज वो न्यूमेरिकल आपको समझने के लिए उसके कंसेप्ट क्या है वो समझना जरूरी है. एंड दिस सब्जेक्ट कैन इवन रिड्यूस योर मार्क्स इफ योर कंसेप्ट इज नॉट स्ट्रॉन्ग. अगर आप बोलोगे कि I am a good student, I can study it on my own, so then I would recommend you, it's not possible. The reason it would be because of the reason kya hai? The reason is this is a mechanical subject, this is a mechanic subject where you need to know what is the real time concepts, jo aapke books mein nahi dekha, right? We faculties, hum faculties se kaam hote ki mechanical engineering like a ocean, barabar? Agar main baat karunga to dog is like a ocean. Is ocean mein pearls uthar ke aapko dena is our duty. Like, आप पूरा बुक उठा के बैठोगे. फॉर एग्जाम्पल वट इज रेफरेंस बुक, बीपी सिंह इज वन ऑफ द गुड रेफरेंस बुक, काफी रेफरेंस बुक है, राव भी है, राव का एक बुक है जो इवन दैट इज अ गुड बुक फॉर मैकेनिकल वाइब्रेशन. बट होता क्या है कि आप जो रेफरेंस बुक लेके बैठते हो तो आपको उसके पहले का बेसिक्स क्या है, लाइक उसका कंसेप्ट नॉलेज क्या है, वो डेरिवेशन क्यों आया, डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, आपको वो चीज नहीं समझेगा. अंटिल अनलेस आपको वो पार्ट नहीं समझेगा, आप सिर्फ क्या करोगे उसके फॉर्मूले आइडेंटिफाई करोगे. और डॉम में क्या होगा, अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझेगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये चारों टॉपिक में से कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन है. समझ में आ रहा है?
आप सिर्फ क्वेश्चन रीड करोगे, उस क्वेश्चन से आपको नहीं समझाएंगे कौन सा टॉपिक है। आप स्टूडेंट से एक मेंटेलिटी रहते कि पास्ट पेपर्स करके हम निकल जाएंगे। द रीजन बिहाइंड ऑफ डाउन का पास्ट पेपर्स नहीं होगा, द रीजन इज आपको पास्ट पेपर्स में आपको आइडिया मिल जाएगा, बट जो भी क्वेश्चन नहीं आएंगे उस नए क्वेश्चन को टैकल करने के लिए यू शुड बी हैविंग द कंसेप्चुअल नॉलेज। आगे बढ़े तो मैंने यहाँ पे क्या बात किया, डैम्पर हटा दिया मैंने, तो ये है अनडैम्प वाइब्रेशन। यहां मैंने फोर्स अप्लाई किया था कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया था नहीं, मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या अप्लाई किया था डिस्प्लेसमेंट, मैंने मास को नीचे खींचा छोड़ दिया तो वाइब्रेट कर देगा बराबर। तो ये अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, इसको हम बोलते हैं अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। तो सिंगल डिग्री क्या है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे, सिंगल डिग्री मल्टी डिग्री क्या होता है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है डीओएफ हम बोलते हैं, कैसे निकाला जाता है वो सब आगे बात करेंगे। अनडैम्प क्लियर हो गया आपको, अनडैम में हम क्या करेंगे, कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करेंगे, उसका वाइब्रेशन हम मेजर करेंगे। वाइब्रेशन पूरे टॉपिक में एक ही चीज आपको पूछेगा, दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही बात करेंगे। वाइब्रेशन के पूरे न्यूमेरिकल्स में कोई भी न्यूमेरिकल उठा लेना, दे वुड आस्क यू फाइंड आउट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। कोई भी क्वेश्चन आप कोई भी टॉपिक से फोर्स वाइब्रेशन से बोलो या सिंगल डिग्री फ्रीडम में, कोई भी वाइब्रेशन से बोलो, डैम वाइब्रेशन से बोलो, देन एवरीवेयर यू विल बी आस्किंग अबाउट find out what is the natural frequency. Clear एकदम? ये हो गई बात undamped, damped vibration में क्या होगा बच्चों? Very simple, यही concept है, बस अपन क्या करेंगे यहाँ पे damper लगा देंगे, बढ़िया सा अपन damper लगा देंगे, damper करने के बाद vibration कम होगा, जिसकी वजह से आपको उसके ऊपर आपका concept, उसके formulas, उसके concept related topics रहेगा। What is forced vibration? अपन ने यहाँ पे displacement दिया था, यहाँ पे मैंने बोला mass को खींचा, अभी mass को खींचना नहीं है, we will be applying force continuously. मैं मास को बार बार पुश कर दे रहा हूं, दैट इज फोर्स वाइब्रेशन। पहले क्या किया था मैंने, रिवाइज करो, पहले क्या बोला मैंने, मास को एक बार धक्का दे, छोड़ दे मेरा हाथ, फिर वो वाइब्रेट कर रहा था। इस बार क्या करूंगा, फोर्स वाइब्रेशन में क्या करूंगा मैं, कंटिन्यूअसली आई वुड बी पुशिंग माय मास, कंटिन्यूअसली आई वुड बी पुशिंग माय मास, आई वुड बी अप्लाइंग द फोर्स, जिसके वजह से इस टॉपिक का नाम आ गया फोर्स वाइब्रेशन। ट्रांसमिसिबिलिटी बात करते हैं, फोर्स वाइब्रेशन के कारण डैम्पर या बेसमेंट तक या बेसमेंट से मशीन तक कितना फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है, बाद में आइसोलेशन फोर्स वाइब्रेशन किस तरह से आप आइसोलेट कर सकते हैं उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की काफी इंस्ट्रूमेंट है जो वाइब्रेशन को मेजर करने में अपने को हेल्प करे। बैलेंसिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप टर्बाइन इंडस्ट्री या अगर आप थर्मल पावर प्लांट में जॉब करते हो तो या जॉब करना चाहते हो या इन फ्यूचर कोई भी थर्मल पावर प्लांट या टर्बाइन या रोटोडायनामिक्स ये डोमेन में जा रहे हो तो ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग एंड रोटोडायनामिक्स, बिकॉज कोई भी इंजन वाइब्रेट होने के बाद वो अनबैलेंस हो जाता है बराबर। फॉर एग्जांपल अपन व्हीकल फोर व्हीलर रहेगा अपन के पास बराबर, फोर व्हीलर में आपको क्या करते हैं, लेके जाते हैं व्हीकल को अलाइनमेंट के लिए जाते रहेंगे और बैलेंसिंग के लिए जाते रहेंगे। तो मान लेना मैं गाड़ी चला रहा हूं, कब आपको अलाइनमेंट और बैलेंसिंग के लिए जाना पड़ेगा, जब आप गाड़ी चला रहे हो अचानक से आपने एक खड्डा था आपने उसको देखा नहीं बराबर, तो खड्डे में क्या हो गया, मेरा टायर चला गया और बाहर निकाला झटके में बराबर, मैं ध्यान नहीं दिया था, बड़ा खड्डा था, बिकॉज आई वाज एट अ वेरी गुड स्पीड, मैं ध्यान छूट गया तो गलती से खड्डे में चल के भाग गया, अपने हाथ से तो नजर से हट गया, अपने तो खड्डे से बाहर आ गया अपन भाग, बट उसके वजह से क्या क्या हुआ, उसके वजह से व्हील से जो कनेक्टेड एक्सल था वहां पे लूजिंग पार्ट स्टार्ट होता है, वहां पे वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ था, झटका लगा, इंपैक्ट लगा, इंपैक्ट लगने की वजह से वाइब्रेशन जनरेट हुआ, वाइब्रेशन की वजह से शॉक अब्सॉर्बर ने अच्छा खासा झटका उसने अब्सॉर्ब किया, जिसके वजह से उसका लाइफ कम हुआ, अल्टीमेटली उसने इंजन तक पहुंचाने में रोका। हालांकि अगर आपका शॉक अब्सॉर्बर खराब है, आपका पूरा सस्पेंशन खराब रहेगा, तो क्या होगा, जो भी इंपैक्ट आ रहा है उसका इंजन पे जाएगा और इंजन वो लोड एब्सॉर्ब करेगा, स्ट्रेस जनरेट करेगा, स्ट्रेस हो तो क्या होगा, देयर विल बी अ मैक्सिमम चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ द इंजन। सो दिस इज द रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस टॉपिक्स, रोटोडायनामिक्स टॉक विद व्हेनेवर अ वे, अगर मान लो एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट में वेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, नीचे तब है मतलब इसका सीजी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ये मेरा शाफ्ट है, सीजी सेंटर में रहना चाहिए बराबर, सीजी सेंटर में नहीं था, थोड़ा सा नीचे फिट हो गया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से ऐसा हो गया, मतलब ये शाफ्ट है इसका वेट थोड़ा नीचे हो गया, तो क्या होगा, जैसे ही रोटेट करेगा इट विल बी रोटेटिंग लाइक दिस, नॉर्मली शाफ्ट कैसे रोटेट होना चाहिए, ऐसा रोटेट होना चाहिए बराबर, प्रॉपरली ऐसा रोटेट होना चाहिए, बट ऐसा रोटेट नहीं करेगा, ऐसा रोटेट करेगा, इमेजिन कर पाए ऐसा, like it will be like bended shaft weight की वजह से bend हो गया और rotate करेगा, तो उसको कैसे हम balance करते हैं, ये हम rotodynamics में भी बात करते हैं। ये सब ऐसे topics का brief description देने दे गया आपको, I hope आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो, ये मेरा lecture series start हुआ है, basically मैं कौन, मैं am a faculty
माय नेम इज अभी सर, काफी 5 to 6 to 7 इयर्स से मैं इस इंडस्ट्री, टीचिंग इंडस्ट्री में हूँ. ठीक है, अबाउट माय क्वालिफिकेशन, आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम एन IIT. मेरा जो प्रोजेक्ट था बेसिकली इट वाज 3D प्रिंटिंग फ्रॉम RL रैपिड मैन्युफैक्चरिंग लैब. IIT में था ये मेरा प्रोजेक्ट, IIT बॉम्बे. उसके बाद आई हैव कंप्लीटेड माय MTech डिग्री ऑल्सो, एंड राइट नाउ आई ऑल्सो अप्लाइड फॉर माई PhD डिग्री एट द सेम इंस्टीट्यूट. Along with that, I was the faculty of St. John Palwar. SJC ke main faculty bhi tha. I got selected in Sanmar Group Chennai, shipping company hai wo. I was also recommended for Indian Navy as a sub lieutenant force. Uske baad there's a lot of kya bolte hain, kafi kuch karke, but still I love teaching. Teaching is my passion. I just enjoy teaching. That's the reason why I'm in this domain till now. Rahi baat aapko kis tarah se down karna hai, down ke liye aapko sirf aur sirf mere notes prefer karna hai. Whatever I teach, that is more than enough to tackle your exam. And I assure you, I will be covering you maximum numericals. Jitne bhi numericals possible hai, we will be doing. Like aage ke lecture mein basic concepts clear honge, uske baad single degree start hoga, single degree ke baad numericals start hoga. And all the numericals will be your university based numericals. University mein aaye hue numericals, this will boost up your confidence. I hope you enjoyed this video. अगर आपको पसंद है तो एक चीज कीजिए, यू ट्राई टू शेयर विथ योर मैक्सिमम फ्रेंड्स पॉसिबल इन एनी ऑफ द कॉलेजेस. मुंबई यूनिवर्सिटी कोविड का टाइम चल रहा है, बराबर, काफी पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू पे द कॉलेज फीस. आई डोंट वांट यू टू पुट अ बर्डन ऑन यू, एक्चुअली स्पीकिंग टू द पेरेंट्स ऑफ यू. सो आई विश आई कैन गिव द क्वालिटी लेक्चर्स. नॉर्मली आई यूज टू हैव माई लेक्चर्स एट करोड़ इंजीनियरिंग क्लासेस. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एट वसेवीरा माइट बी नोइंग मी फ्रॉम द मैकेनिकल डिपार्टमेंट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन लाइक बर्थ कॉलेज को बोलो, विवाह कॉलेज के बोलो, सेंट जॉन के बोलो, दे ऑल नो अबाउट हु इज अभी सर. बट राइट नाउ द सिचुएशन इज वर्स, कोविड केसेस हैपनिंग ओवर देयर, सो काफी पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू पे द कॉलेज फीस इटसेल्फ. सो आई डोंट वांट टू पुट योर क्लासेस बर्डन ऑल्सो ऑन देम. सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, अगर आपको वीडियो पसंद है श्योरली आप उसको शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिएगा कि भाई सर का ऐसा कोर्स चल रहा है. इट्स अ वेरी चीप कोर्स, आपको शायद नीचे स्क्रीन में दिखता भी रहेगा, टॉम प्लस आईसी प्लस आईसी तीनों कॉम्बो फीस. आई हैव केप्ट वेरी लीस्ट, इट्स द लीस्ट एवर पॉसिबल फीस, जहां पे आपको पूरा लेक्चर सीरीज होंगे. वी विल बी कवरिंग यू द एंटायर टॉपिक्स, वी विल बी कवरिंग यू द न्यूमेरिकल्स, एंड वी विल बी कवरिंग यू द पेपर ऑल्सो. दिस इज द प्रॉमिस एज अ ऑफिसर फ्रॉम माय साइड. थैंक यू ऑल, बी सेफ, बी हैप्पी एट योर होम. एनी डाउट क्वेरीज यू कैन put a comment section over there. I would be replying to it, so that कोई भी concept आज नहीं समझा आपको, you can comment below the channel itself. वो आप comment डाल सकते हो. I would be replying you personally. Thank you.